नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बना रहा हूं बिल्कुल बाजार स्टाइल मोमो, लेकिन हम वेज मोमो बनाएंगे। साथ में मैं बनाने वाला हूं बढ़िया सी वो लाल स्पाइसी चटनी, बिल्कुल बाजार के स्टाइल में से बनाया जाएगा और बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनेगी। इसे हम स्टीम करने वाले हैं, लेकिन स्टीम करने के बाद आप इसे पैन फ्राई या फिर डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त है। सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर सब्सक्राइब बटन को दबाना है और हर हफ्ते नई नई रेसिपीज आप तक पहुंच जाएंगी। चलिए बनाते हैं बढ़िया वेज मोमो। वेज मोमो का मिक्सचर बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन को गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। सबसे पहले इसमें चॉप गार्लिक को तब तक भुना जाएगा जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब चॉप गार्लिक गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसमें अब बाकी कटी सब्जियां डाल देंगे। सबसे पहले मैं डाल रहा हूं गाजर और ये चॉप किया हुआ प्याज, फ्रेंच बीन्स। अब इसे अच्छी तरह से पकाना है। कैबेज, उसके बाद मैं डाल रहा हूं थोड़ा सा चॉप किया हुआ अदरक, चॉप किया हुआ हरी मिर्च, साथ में मैं डाल रहा हूं थोड़ा सा नमक, सोया सॉस, थोड़ा सा सिंथेटिक विनेगर। ये मिक्सचर को बढ़िया से पका लीजिए। थोड़ा सा पेपर। अब इन सब चीजों को डाल के ये मिक्सचर को बढ़िया से पका लीजिए। देखिए पानी सूख जाना चाहिए, मेन चीज ये है कि सब्जियां क्रंची रहनी चाहिए लेकिन पानी सूख जाना चाहिए। इसलिए जितनी ज़्यादा तेज आंच में से जितना कम पकाएंगे उतना अच्छा टेक्सचर आएगा। अगर हल्की आंच पे छोड़ दिया पानी छूट जाएगा लेकिन सब्जियां लिसलिसी हो जाएंगी, मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो ये थी आज की आपकी डैडी टिप। चलिए अब ये सब्जियां हो गई तैयार, अब गैस बंद कर लो और साथ में डालेंगे फाइनल दो चीज़ें। पहला चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियंस और दूसरा चॉप किया हुआ धनिया। अब ये गैस बंद करके हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसका फ्लेवर जो कि बहुत ही फ्रेश होता है वो नहीं उड़ना चाहिए। लो जी, मोमो का मिक्सचर एकदम हो गया तैयार, गैस बंद है। अब इस मिक्सचर को करना है बिल्कुल ठंडा, जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक डो बना लेते हैं। और इसके लिए मैं ले रहा हूं 1 से 1.5 कप मैदा, उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऑयल और पानी के साथ इसका एक सॉफ्ट एंड स्मूथ डो बना लेना है। अब इस डो का टेक्सचर हम देख सकते हैं कि जैसे ही उंगली से दबा रहे हैं एकदम सॉफ्ट नजर आ रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ डो बनना चाहिए। अब आखिर में हल्का सा तेल डाल के इसकी मालिश कर लो, बिल्कुल बढ़िया से। देखो स्मूथ डो बन चुका है, अब बनाएंगे इसके मोमो। अब इस डो को 10 से 15 मिनट करेंगे रेस्ट, तब तक बनाते हैं बढ़िया सी गुरखा चटनी। जी हाँ, मोमो की चटनी को गुरखा चटनी कहा जाता है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, चलिए देखते हैं कैसे बनती है। गुरखा चटनी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन गरम कर रहा हूँ, उसमें डालूंगा मैं थोड़ा तेल। अब जैसे ही तेल थोड़ा गर्म हो जाए उसमें चॉप गार्लिक को सॉटे कर लेंगे। चॉप गार्लिक के सॉटे होते ही मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा प्याज। चॉप प्याज के पकने के बाद अदरक, साथ में लाल मिर्च जो कि मैंने गर्म पानी में भिगो के रखी थी पहले, अब डालूंगा मैं ये डाइस किए हुए टमाटर और साथ में सेसमे सीड्स। इन सबको अच्छी तरह से पका लिया जाए। अब इसे एक मिक्सी के जार में निकाल के बढ़िया से फाइन पीसना है। मिक्सी के जार में ही मैं डाल रहा हूं थोड़ा सा विनेगर, सोया सॉस, टोमेटो केचप और नमक। अब एक बढ़िया सा फाइन प्यूरे बना लेना है।
और ये बन गई बढ़िया सी हमारी चटपटी गुरखा चटनी। वैसे कई जगह पे बहुत डार्क कलर की होती है, लेकिन आप नेपाल या नॉर्थ ईस्ट साइड में जाओगे तो आपको इस टाइप की ही चटनी मिलेगी। बिल्कुल टमाटर और मिर्च का कलर बराबर होता है। स्टफिंग तैयार है, साथ में डो तैयार है। अब बाकी है तो सिर्फ सीखना मोमो लपेटने कैसे हैं। एक तरफ मोमो लपेटे जाएंगे, दूसरी तरफ मोमो स्टीम करने का जुगाड़ पूरा सेट कर लिया जाए। अब यहाँ पर एक नॉर्मल जो इडली स्टीमर होता है मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन उसमें एक खास बात होगी। यहाँ पर जो इडली स्टीम करने वाला स्टीमर होता है मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक पतीले में नीचे एक कटोरी रखिए, ऊपर चावल छानने वाली छन्नी रख दीजिए अगर वो सेम साइज़ की है, और उस पर मोमो रख के पकाइए। मेक श्योर कि जो गर्म पानी है वो मोमो से लगना नहीं चाहिए, वो डिस्टेंस होना चाहिए गर्म पानी और मोमो के जाली के बीच में। बाज़ार वाले जो मोमो बनते हैं ना, उसमें कभी देखना पानी के साथ साथ वो थोड़ा सा मसाला डालते हैं। वो मसाला क्या है, ये किचन किंग मसाला यानी सब्जी मसाला। उससे बहुत बढ़िया सी खुशबू आ जाती है। पानी में नमक भी डलता है क्योंकि सेम पानी से सूप भी बन सकता है। अभी जो सब्जी हमने पका ली है इसमें डाल रहा हूं मैं थोड़ा सा बटर। ये इसे थोड़ा सा मॉइस्टनेस देगा क्योंकि सब्जियों का पानी सूख चुका है, तो सब्जियां जो है एकदम ड्राई नहीं होनी चाहिए। हल्का सा बटर डाल रहा हूं उसमें। अब मोमो का जो डो है उसे छोटी छोटी गोलियों में काट लेंगे। और उसके बाद उसे पतला रोल करना है। उसके अंदर डालेंगे हम ये मोमो की स्टफिंग, और साथ में हल्का सा पानी लगाते हुए इसे इस तरीके से शेप देते जाएंगे। मोमो बढ़िया से शेप करके हमने तैयार कर ली हैं। तीन टाइप के शेप हमने बनाए, एक क्लासिक मोमो शेप, एक ट्रायंगल शेप और एक राउंड शेप। यहाँ पर पानी एकदम बढ़िया से गर्म है और इसके अंदर अब इस ट्रे में मोमोज को लगा के स्टीम किया जाएगा, लेकिन पहले ट्रे में हल्का सा ऑयल। बढ़िया से मोमो स्टीम हो चुके हैं, 7 से 8 मिनट तक इन्हें स्टीम करना है। बढ़िया गर्मा गर्म मोमो स्टीम हो चुके हैं और इसके बाद इसे निकालिए। लेकिन अगर आप चाहो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट करना तो पैन फ्राई कर दो और मजा आते हैं, बढ़िया हो जाते हैं सही में। पैन फ्राई करने के लिए एक इस टाइप का वॉक या फिर एक फ्लैट पैन गर्म कर लें, उसमें थोड़ा सा तेल डाल के मोमोज को दोनों साइड से हल्का सा क्रिस्प कर लें। बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, टेक्सचर आ जाएगा, मजा आ जाएगा। स्टीम मोमो तो आप खाते रहेंगे, ये वाला ट्राई कीजिए। पैन फ्राइड वेज मोमो तैयार, साथ में ये बढ़िया नेपाली गुरखा चटनी, व्हाट एवर यू वांट टू कॉल, बड़ी बढ़िया स्पाइसी मजेदार चटनी बनी है। अगर ये दोनों चीजें आपने नहीं बनाई तो डेफिनेटली कुछ आप मिस कर रहे हैं। जल्दी से जाइए बनाइए, और जाते जाते सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है।
द बिग डैडी शेफ कुक बुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।